नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी कर दी है। फर्स्ट लिस्ट में रीवा मऊगंज जिले से 4 नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मऊगंज से सुकेंद्र सिंह बन्ना, त्योंथर से रमा शंकर सिंह पटेल और मनगवा से बबीता साकेत पर एक बार फिर दाव लगाया है। ये तीनों प्रत्याशी 2018 के विधानसभा चुनाव में नजदीकी अंतर से हारे थे। ऐसे में कमलनाथ ने पुराने चेहरों पर भरोसा किया है। वहीं गुड विधानसभा से कपिल ध्वज सिंह नए उम्मीदवार हैं। रीवा जिले के जने थाना अंतर्गत 5वीं की छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि एक सैकड़ा आक्रोशित ग्रामीण शनिवार की सुबह गड़ी चौकी में घुस गए। उन्होंने एनकाउंटर की मांग करते हुए तत्काल आरोपी का घर गिराने की मांग की। कहा कि यदि पुलिस को कार्रवाई में देरी करना है तो आरोपी को हमारे हवाले कर दें। 3 साल पूर्व सराफा दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी कोई और नहीं, खुद पीड़ित का भतीजा निकला, जिसने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए पीड़ित की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर पार कर दिए थे। उसके कब्जे से कुछ जेवर पुलिस ने बरामद किए हैं, जबकि शेष माल आरोपी ने नष्ट कर दिया है। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने राकेश आदिवासी माध्यमिक शिक्षक पूर्व माध्यमिक विद्यालय घुसरोम विकासखंड त्योंधर को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय रीवा रहेगा। शिक्षक को द्वितीय सत्र के प्रशिक्षण में शामिल होने तथा मूल्यांकन सत्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे, तथा इसका पालन न करने एवं बिना सूचना के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबन की कार्यवाही की गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए रीवा जिले का आबकारी विभाग अवैध मदिरा भंडारण परिवहन व बिक्री को लेकर सख्त हो गया है। लगातार जिले में कार्यवाही की जा रही है। संभावित ठिकानों पर दबिश के साथ ही हाईवे में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने कलेक्टर के निर्देश पर सिरमौर एवं चाक घाट व्रत में कार्यवाही किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में तोतों की तस्करी करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी भारी मात्रा में तोतों को पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने का कार्य किया करता था, जिसको बेचने के बाद अच्छी खासी रकम उसके हाथ लगती थी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पक्षियों को मुक्त कराने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सीधी में पत्नी और ससुराल वालों से नाराज शख्स पर इस कदर सनक सवार हुई कि उसने कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली साली के ही दोनों हाथ काट दिए। आरोपी ने घटना को उस वक्त घात लगाकर अंजाम दिया जब पीड़ित छात्रा स्कूल से वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में जीजा ने उस पर हमला बोल दिया। घायल छात्रा को फिलहाल उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो वहीं आरोपी जीजा को हिरासत में लेकर पुलिस घटना की वजह जानने का प्रयास कर रही है। जबलपुर में चुनावी चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे करीब 4 किलो चांदी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई जीआरपी पुलिस ने मदन महल स्टेशन में चेकिंग के दौरान की है, जहां आगरा निवासी एक आरोपी जबलपुर से आगरा की ओर श्रीधाम एक्सप्रेस में जा रहा था। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने सतना की 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। नागौद विधानसभा सीट से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल, जिला मुख्यालय की सतना सीट से सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा डब्बू, अमर पाटन विधानसभा सीट से इस बार भी पूर्व मंत्री एवं पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई है। चित्रकूट विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और रेंगांव सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक कल्पना वर्मा को ही एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। मेहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी विद्या और बुद्धि की अधिशास्त्री देवी माता शारदा के दरबार में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला चाक चौबंद व्यवस्था के बीच रविवार से शुरू हो गया। सतना व मेहर जिला प्रशासन ने यहां श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार नवरात्रि मेले में वीआईपी दर्शन व्यवस्था प्रतिबंधित कर दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।